स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारी एकेडमी में। भारतीय राज व्यवस्था पे आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भारत के संविधान में वर्णित 12 अनुसूचियों का। दरअसल अनुसूचियां क्या है कि एक सूची है भारतीय संविधान में जो है, और वो सूची जो ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसको प्रदर्शित करती है, उसकी एक लिस्ट है और जो महत्वपूर्ण है, न केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए शुरुआत करेंगे, लेकिन मूल रूप से एक चीज समझना है कि मूल रूप से संविधान में जो थी मूल रूप से सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना, 8 अनुसूचियां संविधान में थी। तो इसके बाद क्या किया गया कि 4 अनुसूचियां समय समय पर जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ठीक है ना। 9वीं 1951 में जोड़ी गई, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था। 10वीं 1985 में जोड़ी गई, 11वीं 1993 में जोड़ी गई और 12वीं भी 1993 में जोड़ी गई। तो ये 4 अनुसूचियां बात की हैं, ठीक। तो अनुसूचियों पर हम बात करेंगे, अनुसूचियां शेड्यूल्स जिन्हें कहते हैं। अनुसूचियां काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इनमें कुछ अनुसूचियां तो इतनी महत्वपूर्ण है कि जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो सीधे याद हो जाएंगी। ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो पहली जो अनुसूची है, पहली अनुसूची जो है उसमें क्या है कि क्या वर्णित है उसमें, भारत संघ के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन है। यानी जो 28 राज्य हैं, ठीक है ना, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका वर्णन किया गया, उनका जिक्र किया गया है, उनका शासन प्रशासन की बात की गई है पहली अनुसूची में, ठीक है ना। पहली अनुसूची में 28 राज्य, एक राज्य कम हो गया 29 में से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित बनाया। इस हिसाब से 7 थे, पहले 9 होने चाहिए थे, लेकिन एक दो को मर्ज किया गया है, दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव को भी मर्ज किया गया। तो अब टोटल हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, ठीक है ना। दूसरी जो अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में जो अधिकारी हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है ना, अधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में है, ठीक है ना, इन सभी कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, वेतन भत्तों के बारे में है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें कि वेतन भत्तों के बारे में है दूसरी अनुसूची, सीधे सीधे। तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में जो भारतीय संघ के विभिन्न पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि जो सारे संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पदों की क्या है, शपथ ग्रहण की विधियों का जिक्र है, ठीक है ना, शपथ ग्रहण की विधियों का जिक्र है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो पहली अनुसूची है उस पहली अनुसूची में क्या है कि भारत संघ के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जिक्र है, उनके प्रशासन के बारे में है। जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में क्या वर्णन है, वेतन भत्तों, पेंशन इत्यादि के बारे में है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके बारे में, जो संवैधानिक पद हैं। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी जो हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनके जो शपथ ग्रहण की जो विधियां हैं उनके बारे में है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक। चौथी अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची में वर्णित है राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। राज्यसभा के लिए राज्यों की कितनी सीटें हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी सीटें हैं, प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है ना, कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं और किस केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी सीटें हैं, ठीक है ना। पांचवी जो अनुसूची है, ध्यान दीजिएगा, पांचवी अनुसूची में क्या है कि जो अनुसूचित जनजाति या क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में, ठीक है ना, अनुसूचित क्षेत्रों
और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, ठीक है ना, जनजाति के प्रशासन के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है ना, जो हमारी पांचवी अनुसूची है। जो छठवीं अनुसूची है, छठी अनुसूची है, उसमें वर्णन किया गया है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इत्यादि में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रशासन के बारे में। तो किस किस की बात हुई है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना, इन सब के प्रशासन के, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात हुई है, ठीक है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, सातवीं अनुसूची बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सातवीं अनुसूची का इतना रोल है क्योंकि सातवीं अनुसूची में जो राज्य है और केंद्र, उनके बीच विषयों का बंटवारा है, ठीक है ना, कौन किस पे कानून। इसमें तीन सूचियां वर्णित हैं, तीन सूचियां इसमें वर्णित हैं, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तीन सूचियां कौन सी है? पहली है संघ सूची, ठीक है ना, संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची, ठीक, और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, क्वेश्चन सीधे इनसे ही बनाता है, ठीक है ना। सातवीं अनुसूची में वर्णित है सूचियों के बारे में, ध्यान दीजिएगा, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है ना, शक्तियों का जो बंटवारा है उसके बारे में वर्णन है। शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, ठीक है, कैसे हो जाता है, इसमें तीन सूचियां वर्णित हैं शक्तियों के बंटवारे के लिए। संघ सूची में विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में भी विषय रखे गए हैं, और समवर्ती सूची पर विषय रखे हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, संघ सूची के विषय पे। राज्य सूची के विषय पे राज्य सरकार कानून बना सकती है, ठीक है ना, और समवर्ती सूची के विषय पे दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ध्यान रखें। लेकिन अगर संघ का कानून पहले से मौजूद है समवर्ती सूची के विषय पे, तो फिर राज्य का कानून नहीं माना जाएगा, संघ का ही कानून माना जाएगा, ठीक है ना। तो समवर्ती सूची के, समवर्ती की सूची के विषय में जैसे पुलिस समवर्ती सूची का, राज्य सूची का विषय, पुलिस राज्य सूची का विषय है समवर्ती सूची का, शिक्षा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना, शिक्षा समवर्ती, कृषि राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना, और जो रक्षा है वो संघ सूची का विषय है। इस तरीके से विषय, विषयों को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आठवीं अनुसूची में क्या है कि भारत संघ के जो 22 भाषाएं हैं उनको मान्यता दी गई है, ठीक है ना, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है ना, 22 भाषाओं को मान्यता, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल रूप से संविधान में, ध्यान दीजिएगा, मूल रूप से संविधान में जो थी वो 14 भाषाएं थी, ठीक है ना, 14 भाषाएं थी, और इसके बाद क्या हुआ कि मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। इसके बाद संविधान में संशोधन किए गए, ठीक है ना, संविधान में संशोधन किए गए और भाषाओं को समय समय पर जोड़ा गया, ठीक है ना। अगर हम इस प्रकार देखें कि कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो जोड़ी गई वो जोड़ी गई सिंधी, सिंधी जोड़ी गई 14 के बाद 21वां संविधान संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया सिंधी, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है ना, 14 भाषाएं थी। उसके बाद एक और जुड़ गई 1967 में, कौन जुड़ गई? सिंधी जुड़ गई, ठीक है ना। उसके बाद 1992 में जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है ना, 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, और कौन सी जोड़ी गई? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, कोंकणी और नेपाली ये संविधान में जोड़ी गई, ये राज, ये भाषाओं के आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद फिर एक संविधान संशोधन हुआ जो हुआ 92वां, ठीक है ना,
92वां संविधान संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया, 2003 में हुआ, ठीक है ना। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो चार भाषाओं को जोड़ा गया। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये चार भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया। अब इस प्रकार से जो भाषाएं हुई वो कितनी हुई, 22 भाषाएं हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से जो भाषाएं हुई वो कितनी हो गई, 14 पहले थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक। 21वां संविधान संशोधन सिंधी, 71 वाले से मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, 92 वाले से मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ठीक है ना। तो 8वीं अनुसूची बेहद इंपॉर्टेंट है, भारतीय क्षेत्रीय 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है ना। जो भाषाओं का जिक्र है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, वो 22 भाषाओं का जिक्र है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो है 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा कि 9वीं अनुसूची, हमने बात की थी ना, 8 ही थी मूल संविधान में, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन। ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, 1951 द्वारा, ठीक है ना। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ा गया भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची। इसमें क्या है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधियों का जिक्र है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधियों का जिक्र है, ठीक है ना। अधिग्रहण से संबंधित विधियों का जिक्र, ठीक, विधियों का जिक्र, ठीक। तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई, और इसमें है भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो विधियां हैं उनका जिक्र है। तो अभी तक अगर आप देखिए 9वीं अनुसूची तक, पहली अनुसूची 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन प्रशासन के बारे में जिक्र है, दूसरा अधिकारियों के वेतन भत्ते, जो भारतीय राज व्यवस्था के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, ठीक है ना, पदाधिकारी, उनका वेतन भत्तों का। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण की विधियों का जिक्र, ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण पद हैं भारतीय राज व्यवस्था के, उनके विधियों का जिक्र है, शपथ की। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में, किसमें, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जिक्र है, ठीक है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में है, पांचवी अनुसूची। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। सातवीं अनुसूची, तीन सूचियां हैं इसमें, केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा के लिए। सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, भारतीय संघ की 22 भाषाओं का जिक्र है, मूल रूप से 14 ही भाषाएं थी, बाकी समय समय पर जोड़ी गई। नवीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के बाद जोड़ा गया, और इसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो विधियां हैं उनका जिक्र किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नवीं अनुसूची तक हम बात कर ही चुके हैं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है ना, 9, 10, 11, 12 हम जैसे बात ही कर चुके हैं, ये बाद में जोड़ी गई है हमारे संविधान में, बाद में जोड़ी गई है, ठीक। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, तो और महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ठीक। जो तो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, उसका ध्यान दीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है, ये बाद में जोड़ी गई, हमने बात की थी, वो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ठीक है ना, अधिनियम 1985 के द्वारा यह जोड़ी गई भारतीय संविधान में, और यह संबंधित है राजनैतिक दलों के दल बदल संबंधित कानूनों से। इसमें किसका प्रावधान है, दल बदल, ठीक है ना, दल बदल संबंधी प्रावधान इसमें किए गए हैं, ठीक है ना, संबंधी प्रावधान किए गए हैं। जैसे कोई राजनीतिक दलों के विधायक या सांसद क्या करते हैं, एक दल अपने दल को तोड़ के दूसरे दल में चले जाते हैं, तो किस परिस्थिति में उनकी सदस्यता चली जाएगी, किस में बरकरार रहेगी, ये सभी 10वीं अनुसूची में वर्णित है, और ये 52वें संविधान बेहद महत्वपूर्ण है। दल बदल संबंधी जो विधेयक है, प्रावधान है, अधिनियम आया था, वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में आया था, ठीक है। 11वीं अनुसूची बेहद इंपॉर्टेंट है, यह है
73वें संविधान संशोधन से संबंधित, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना, 73वां संविधान संशोधन 1992 में पास हुआ था, 93 में लागू किया गया था, पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, पंचायती राज अधिनियम या पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 दिसंबर में पास हुआ था, 1993 लागू हुआ था। कब हुआ था पंचायती राज विधेयक अधिनियम लागू? तो 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है ना, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम है। और 24 अप्रैल को इसीलिए हर वर्ष क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। और जो 12वीं अनुसूची हमारे पास है, 12वीं और आखिरी अनुसूची, ये भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। इसमें जोड़ा गया, और इसमें ये भी दिसंबर 1992 में पास हुआ था, 74वां संविधान संशोधन, और 1993 में लागू हुआ था 1 जून को, ठीक। और ये संबंधित है नगरीय स्वशासन से संबंधित, ठीक है ना, नगर पालिका नगर निगम, नगरीय स्वशासन से संबंधित है, नगर पालिका नगर निगम इत्यादि से संबंधित जो प्रावधान है वो इसमें है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है ये दोनों प्रावधान, ठीक। तो 12वीं अनुसूची 1993 में ये लागू हुआ था, 74वां संविधान संशोधन, और 11वीं अनुसूची में वर्णित है 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज, और इसमें है नगरीय स्वशासन, और इसमें दल बदल, ठीक है। तो ये जो पंचायती राज अधिनियम ये लागू हुआ था, अब 24 अप्रैल 1993 को, इसी प्रकार ये लागू हुआ था जो 74वां संविधान संशोधन 1993 है, ये 1 जून 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। तो साथियों ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये तीन तो इतने इंपॉर्टेंट है, आठवीं आठवीं के बाद, ठीक है ना, आठवीं तो इतनी इंपॉर्टेंट है, आठवीं 10वीं 11वीं 12वीं से क्वेश्चन निरंतर पूछा जाता है, ठीक है। और आठवीं अनुसूची ये चीज का ध्यान रखना है, 22 भाषाओं का जिसमें जिक्र है, और सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची भी बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ये तो रटने हैं, सातवीं अनुसूची आठवीं अनुसूची 10वीं 11वीं और 12वीं, इनसे क्वेश्चन निरंतर पूछा जाएगा, ठीक। साथ ही साथ एक फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, कि जो दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है उसको एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, है ना, नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया था 1991 में, 69वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था संशोधन अधिनियम के द्वारा, और ये 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1991 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, अनुसूचियां क्वेश्चन अमूमन बनता है, कैसा लगा कमेंट जरूर करें।